पार्टी जो है वो MQM के साथ हुकूमत में शरीक करने के लिए कोई इत्तेहाद नहीं किया जाएगा उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए। से MQM हमारे से वजूद में आई है, कराची दहशतगर्दी का की नजर हो चुका है। जिस दिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची गए थे इनकलाब की बात करने से पहले बताया जाए कि उस दिन कराची की सड़कों पे 50 लाशें क्यों गिराई गई थी। फटाखोरी, दहशतगर्दी, बुरी बंद लाशें, ये किसने जन्म दी है, ये कहां से आई है? चोर चोर जूरन हालो चटपड़ा जूरन जूरन सलाम 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 सलाम। ओए जागीरदारा MQM नाल आपने कहने नहीं दिया। ओए जागीरदारा कुल की दौलत गबन करने वालों, अपना नाप तैयार करो, बोरी हम तैयार करेंगे। जो कुछ उनके मुंह में आता है वो बोली जा रहे हैं। ये हजरत जब बोलते हैं तो अक्सर बेशतर ये होश में नहीं होते। MQM का वतीरा बन गया हुआ है कि पिछले 25 साल से इकतदार में शरीक भी रहते हैं और शोर भी मचाते रहते हैं कि विचों विचों खाई जाओ तो उत्तों रौला पाई जाओ। 5 साल परवेज मुशर्रफ अंकल की ये गोद में बैठे रहे हैं। हैदराबाद और कराची को इन्होंने जागीर बनाया हुआ है। अभी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वली खान बाबर की निकालें, अगर MQM का नाम ना हो तो जो मेरी सलाह मेरे लिए मुतय्यन करें, मैं वहां से रिजाइन। जिस तरह का कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो हमारा एक पुलिस स्टेट कहलाता है पूरा मुल्क तकरीबन। ठीक है, पुलिस इस्तेमाल हुई है, हमेशा पोलिटिसाइज हुई है, पुलिस मिस यूज हुई है। अगर ऑपरेशन की बात करते हैं तो उस ऑपरेशन में पुलिस को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में आप भी जानते हो दिन में 40-40 लाशें कराची शहर से होती हैं। टोटल 15,000 शहादतें हुई हैं कराची के शहरियों की। उसमें MQM के भी लोग थे, आम पब्लिक भी थी, MQM के सपोर्टर्स भी थे। ठीक, देखें अगर आप 15,000 मार रहे हो तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई 50 भी मारे आपके। अगर 15,000 लड़का मारा गया एक शहर में, हैदराबाद और कराची में, तो वो कहीं ना कहीं किसी ने बदला तो लिया होगा। तो आप इतने नाइव ना बने, पुलिस के ऊपर आ रहे हैं आप। सिर्फ सिंध का सूबा ऐसा है कि जिसमें पार्टी कारकुन गवर्नर है, जिसके खिलाफ कत्ल के मुकदमात थे, वो फरार होकर लंदन चला गया था, वापस बुलाकर उसको गवर्नर बनाया गया है। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, MQM की सतह पर फासिज्म है, और फिर हकीकत इन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता, इख्तियार ही इनको नहीं हासिल होना चाहिए कि आवाम के ऊपर उपराने पर। कौमी कमीशन बना दिया जाए इंक्वायरी के लिए, कोई अदालती कमीशन बना दिया जाए, कोई तो तजवीज नहीं। 12 मई के हवाले से ये बात हम कर ही रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल को निश्तर पार्क में जो कत्लेआम हुआ था, कितने कमीशन बने हैं उसके? हर कमीशन ने एक ही रिपोर्ट दी है कि MQM रिस्पॉन्सिबल है, रिपोर्ट ही उसकी नहीं आती। इसीलिए आप MQM जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है इसको आप खत्म करें, जो फैशिस्ट टैक्टिक्स हैं। ये मैं वसीम आपको, आप किसी को, आज मीडिया इतना आगे बढ़ गया और इंडिपेंडेंट मीडिया जिसको मैं दाद देता हूं, जो प्रेस ने इस मुल्क में जंग लड़ी है, हम पॉलिटिशियन से बहुत आगे निकल गए हैं। असल जंग मीडिया ने, इंडिपेंडेंट चैनल्स और प्रेस ने जंग लड़ी है, और वकला ने।
اب آپ چھپا نہیں سکتے چیزیں، آپ لوگوں کو بندوقیں دکھا کے اخبار کی ہیڈ لائن چینج کروا رہے ہیں، آپ ٹی وی چینل کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. ایک منٹ میری بات سن لیں، سب جانتے ہیں وہ فائرنگ کے بیچ میں آفس آیا. یہ فیشنز ٹیکٹکس آپ کو گیو اپ کرنی پڑیں گی. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو وزیر بن جائے اور گورنر بن جائے. کراچی میں گورنر کتنے 18 قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے. بابر واری کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہوا ہے آپ نے بابر واری کو. مجھے ٹی وی کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میں نے اس سے میں بتا رہا تھا، میں نے کہا الطاف حسین کی، کہتا ہے الطاف حسین کو عمران بھائی آپ کہاں اور الطاف حسین کہاں. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تو آج تک کوئی قتل نہیں کیا، اس نے 234 قتل کیے ہوئے. ہمارا اردو والے سے جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ ان دہشت گردوں سے ہے جو ان کے عہدے لے کر کے اور پولیس اسٹیشن کو یرغمال بنا کے اور ٹپے لگا کے اور حکومت پہ اثر ڈلوا کے اپنا ایم پی اور ایم این اے ثابت تو کر لیتے. اب کتنے مارو گے، کتنے مارو گے، کتنے 12 مئی پہ ظلم کرو گے، بربریت کرو گے. میڈیا والا سنے، 12 مئی کے جوابدار متحدہ قومی مومنٹ کے عہدادار، اس وقت کی سندھ حکومت، اس وقت کی وفاقی حکومت ہمارا ذمہ وار ہے. ہمارا دعویٰ تھا، دعویٰ ہے، دعویٰ رہے گا. آپ کو ایک دفعہ پھر بتایا، وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران فاروق قتل یا شہید لندن میں ہوتے ہیں، بازار دکانیں کراچی میں بند ہوتی ہیں، بسیں گاڑیاں پٹھانوں کی کراچی میں جلائی جاتی ہیں، پٹھان کراچی میں مارے جاتے ہیں. 100 دفعہ زیادہ الطاف حسین بدماش ہے، کرمنل ہے، اس سے زیادہ جو ہے ماں کی گودے اجاڑی ہے. جب گورنر کو گورنر بنایا گیا تھا اس وقت بھی وہ بھگوڑا تھا، وانٹیڈ تھا، اس کو ادھر گورنر بنایا گیا. I want to indicate that the primary concern I have and the primary concern of most Pakistanis living in Britain is this. Why is Altaf Hussain being allowed from a sofa in Edgware to conduct a terrorist campaign and a campaign of extortion of businesses and citizens in Sindh? And why was he given British citizenship? A terrorist cell is operating from Edgware in the form of the MQM. Every day, Altaf Hussain, a British citizen, addresses his puppets in Karachi, giving them instructions on how they should govern, including how they should handle peaceful demonstrations.